नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय भदौरिया है और ST ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय के बछड़ा या बछिया को कितना दूध पिलाना चाहिए, कितने दिनों बाद आप उसे चारा खिला सकते हैं और कैसे वह चारा खाना शुरू करेगा। तो चलिए हम आपको इस चीज़ का लाइव डेमो करके बताते हैं। दोस्तों, यह सुबह का समय है और गाय को दुहने का टाइम है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये बछिया है जो दूध पीने के लिए व्याकुल है और आप देखेंगे कि इसका पेट जो है अभी बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम इसको दूध पिलाते हैं, इसकी माँ का दूध पिलाएंगे। तो आप देखिए कि हम इसको दूध पिलाना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, देखेंगे कि बच्चे ने दूध पी लिया है, अब यह खुश नज़र आ रहा है और अब आपको इसका पेट दिखाते हैं। देखिए, पेट भरा हुआ नज़र आ रहा है, अब यह सुबह की तरह खाली नहीं है, बिल्कुल भी खाली नहीं है और अब इसको दोपहर तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब दोपहर में इसको हम पानी पिलाएंगे और फिर आपको बताएंगे किस प्रकार से इसे चारा खिलाना है। दोस्तों, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अब बच्चे को पानी पिलाते हैं। देखिएगा, बच्चा अभी केवल 22-23 दिन का है और पानी भी पी रहा है और गौर से देखिए, जितनी उसको इच्छा है उतना उसने पानी पी लिया है। लेकिन आप गौर कीजिए, इसका पेट खाली नज़र आ रहा है, एकदम खाली है पेट इसका। ये देखिए, सुबह की तरह बिल्कुल खाली है। अब इसको भूख लगी है तो हमें क्या करना है, इसे खाना खिलाना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा सा पौष्टिक आहार बच्चे के लिए तैयार करना है। सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा अपना दाना डालिए, थोड़ा सा दाना, और उसके बाद जो भी आपको दूसरी चीज़ हो, मेरे पास चुनी है, मैं पौष्टिक के रूप में चने की चुनी देता हूँ। और तीसरी चीज़ है खल, थोड़ी सी आप खल ले लीजिए, एक मुट्ठी से भी कम। तीनों चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, एक एक मुट्ठी भी नहीं लेना है, तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। देखिए, तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं, अब इसमें क्या करना है, पानी मिलाना है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालते हैं और आधा घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम फूलने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इसे फूल जाने दो। अब आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया। थोड़ा सा पानी और मिला दीजिए जो आपको इसमें टाइटपन नज़र ना आए। अब देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भूसा मिलाना शुरू करेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा भूसा मिलाइए आप, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी, क्योंकि बच्चा क्या छोटा है, 20-22 दिन का है, कितना खाएगा, बहुत मामूली सा ही खाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा पौष्टिक आहार तैयार हो गया उसका। इसमें आपका बेजहर का आटा है और चने की चुनी है और खल है, कपला आहार, पशु आहार जो भी होता है अपने यहाँ, उसको आप इसको दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके थोड़ी सी आप उसके लिए तैयार कीजिए सानी, जो चारा जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद हमें पशु को खिलाना है। देखिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए आप, पूर्ण रूप से जब मिल जाए तब फिर इसको हमें लेके चलना है पशु के पास। आइए, चलिए, अब मिल गया है ये। अब हम बच्चे को खिलाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले अब हम उसके पास में रखते हैं, लो, ऐसे तो वो नहीं खाने वाला, लो, उसने सूंघा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता यह क्या है, क्यों, 20-22 दिन का बच्चा क्या जानेगा। अभी उसमें कुछ भी
जानने की तथा नहीं है। तो आप थोड़ा सा घास और खा ला के देखते हैं, हो सकता है ये ना खाए, हरी हरी घास को देख के कुछ खाने का विचार हो उसका। नहीं, उसको भी नहीं सूंघ रहा है, क्योंकि अभी वो नहीं जानता है बच्चा है कि ये क्या होता है। लेकिन बच्चा भूखा है, उसका हमें ख्याल रखना है, उसे हमें बताना है कि कैसे वो चारा खाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चारा लीजिए और आप उसके मुंह में रख दीजिए अंदर। जब आप अंदर रखेंगे तो वो मुंह चलाएगा, देखिए आप इस प्रकार से मुंह चलाएगा और खाएगा धीरे धीरे। इस प्रकार से आप प्रतिदिन उसको थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो वो चारा खाना शुरू कर देगा प्रतिदिन। देखिए बड़े आराम से बैठा खा रहा है, लेकिन अभी उठाना चारा नहीं जानता है, इसलिए आपको उसके मुंह में ही खिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप उसे 2-2.5 बजे के समथिंग खिलाइए और देखिएगा। हाँ दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से हम गाय के बछड़ा या बछिया को टाइम टाइम पे दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और उसको खाना खिलाएंगे, ताकि वह तंदुरुस्त बना रहे और सेहतमंद होते हुए जल्दी से जल्दी उसका विकास हो सके और वह अगले वर्ष तक 51 हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक वह दूध देने लगे। 2 वर्ष की अवस्था में अगर हमारा बच्चा तैयार होता है दूध देने के लिए, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, अगले महीने हम आपको इसके बारे में और दूसरा वीडियो लाकर दिखाएंगे कि हमारा बच्चा कितना विकसित हुआ, उसने कितना सेहत को हासिल किया है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।